नमस्कार साथियों साथियों, डीपीआई ने 4 अक्टूबर 2023 को पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया था। और ये जो पत्र है वह उस पत्र के एवज में जारी किया गया था जो 3 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, जिसमें कि नियमित शिक्षक के आने पर किसी भी संस्था पर कार्यरत अतिथि शिक्षक साथियों को कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद ये पत्र जारी हुआ और लगातार ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे थे कि यदि कोई नियमित शिक्षक किसी संस्था पर आते हैं तो संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य के द्वारा जबरन अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जा रहा था, वो भी यह कहकर कि हम दो शिक्षकों का एक साथ वेतन हरण नहीं कर सकते हैं। अब उसी क्रम में रीवा जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की कार्यमुक्ति को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आइए सबसे पहले रीवा जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। निर्देश आया था वहाँ से डीपीआई से अपर संचालक मंडल का कि जहाँ पर रेगुलर ड्यूटी हो चुकी है वहाँ से बेस्ट जो टीचर है उनको बुक किया जाए, लेकिन तत्काल उसके दूसरे दिन वहाँ से खंडन आया है कि मतलब उनको मुक्त ना किया जाए। और इस बात का मैसेज भी मैं ग्रुप में दे चुका हूँ, प्रिंसिपलों को, बीओ को, सबको मैं मैसेज दे चुका हूँ कि अभी उनको मुक्त नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं रीवा जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि उन्होंने संबंधित जो प्राचार्य हैं, संकुल प्राचार्य हैं, बीईओ हैं, सभी को मैसेज दे दिया है कि किसी भी अतिथि शिक्षक को आगामी आदेश तक आपको कार्यमुक्त नहीं करना है। तो इस तरीके से आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने जिले के संकुल प्राचार्य हों, बीईओ हों या प्राचार्य, उन्हें भी इस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं ताकि विभिन्न स्थलों से जो अतिथि शिक्षकों की कार्यमुक्ति को लेकर खबरें आ रही हैं उन पर भ्राम लग सके और अतिथि शिक्षक निर्बाध रूप से जहाँ पर कार्यरत हैं, जिन संस्थाओं पर पदस्थ हैं उन पर अपनी सेवाएं दे सकें। तो साथ ही इस तरीके से रीवा जिले से अतिथि शिक्षकों की कार्य मुक्ति को लेकर ये बड़ा एवं महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुआ था, सोचा समस्त अतिथि शिक्षक साथियों के साथ इसे साझा किया जाए। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।